हेलो दोस्तों, मैं हूँ मंदा। मंदा डायरी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगाड़े की सेव। सिंगाड़े की सेव बनाने के लिए एक चम्मच नमक, दो कटोरी सिंगाड़े का आटा, एक बाउल लेना है। बाउल में सिंगाड़े का आटा डालना है। मैंने पहले ही सिंगाड़े का आटा छान के रखा था, और छानना जरूरी है। और एक चम्मच नमक डाल के आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है। आप ज़्यादा पानी डाल लोगे तो आटा पतला होगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदना है। जैसा हमारे रोटी का आटा होता है, उससे थोड़ा पतला आटा बनाना है। देखो हमारा आटा तैयार है। इतना ही पतला आटा हमें चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, इसी तरह हमें आटा चाहिए। हमारा आटा रेडी है। गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में तेल डालेंगे। धीमी आंच पर ही तेल को गर्म होने देना है। साँचा लेना है, एक पीतल का भी आता है और स्टील का भी आता है। आपके घर में कोई भी साँचा हो, उसी से आप बना सकते हो। थोड़ा चम्मच में आटा लेके साँचे में थोड़ा थोड़ा ही भरना है, पूरा नहीं भरने का, नहीं तो आपकी सेव आएगी नहीं। इसीलिए दो दो चम्मच डाल के ही सेव बनाना है। आप पूरा भर दोगे तो सेव आएगी ही नहीं। हमने थोड़ा आटा भर दिया है और साँचा बंद कर देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसी में हम साँचे को गोल राउंड करके घुमा के सेव डालना है। एक दो राउंड ही डालना है, ज़्यादा राउंड नहीं घुमाना है। एक साइड हो चुका है, इसे हम पलट देंगे और सेव धीमे आंच पर ही निकालना है। ज़्यादा तेज नहीं करना है गैस। जब तक हमारी सेव निकालने के लिए तैयार नहीं होती, तब तक और दोबारा साँचे में भर के हम साँचा बंद कर देंगे। हमारे सेव तल के हो चुके हैं, इसे हम निकालेंगे। इसी तरह दूसरा भी राउंड हम उसी तरह डाल के तलेंगे। एक साइड हो चुका है, दूसरा ही साइड हल्का ब्राउन सेकना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है और धीमे आंच पर ही सेव को तलना है। ज़्यादा बड़ी गैस पर सेकोगे तो आपकी सेव जलेगी, इसलिए कम गैस पर ही सेव को तलना है। हमारी सेव रेडी है। इसी तरह सभी आटे की सेव बना लेना है। हमारी सिंगाड़े की सेव तैयार हो चुकी है। सर्व करो, टेस्ट करो, एंजॉय करो।